तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज अपने सीबीएसई क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स से जो यूनिट है रिलेटिंग टू कमर्शियल मैथमेटिक्स या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसका एक और चैप्टर करने वाले हैं, विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस। आइए दोस्तों, अब हम लोग एस आई एन सी आई पर चले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस आई एन सी आई इज वेरी 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 इजी, जितना प्रॉफिट एंड लॉस इजी था उतना ही है, ठीक है? हाँ सर। दोस्तों ये सबसे पहले तो मन में आता है कि सर ये इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट है, जरा ये बताइए सर इसके बारे में कुछ हमें। मैं बोला ओके। दोस्तों आज आप किसी से मनी बोरो करते हो या किसी को मनी लेंड करते हो, तो आप एक चीज सोचो, आप एक सैक्रिफाइस कर रहे हो। सर क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? आज आप सोचो कि मैं कुछ पैसों, मेरे पास कुछ पैसे है जिसको मैं अपने बिजनेस में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे लगा सकता था जिससे मैं मनी अर्न कर सकूं, करेक्ट? हाँ सर। अब ये मनी मैं इन चीजों में लगाने की जगह किसी को पैसे की जरूरत है, मैं उसे वो पैसे दे रहा हूं। तो आप एक बार सोच के देखो कि जो पैसे मैं कमा सकता था फ्रॉम द मनी आई हैड, वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि ये पैसे मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, अब वो मुझे किसी को लेंड करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों उस सेक्रीफाइस के बदले मैं कुछ अमाउंट, मैं कुछ पैसे तो लूंगा सामने वाले से कि भैया मैं तुम्हें बोरो, तुम मुझसे बोरो कर रहे हो, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आई एम फॉरगोइंग माई मनी, मैं अपने पैसे दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पैसे आपको दे रहा हूं, तो मैं अपने पैसों को किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उस टाइम पीरियड के लिए जब तक आप नहीं चुका सकते मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, ठीक है ना? तो दोस्तों इससे अराइज होता है इंटरेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है ना? हाँ सर। सर लेकिन ये अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? दोस्तों इंटरेस्ट के दो ब्रांचेज है, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए मैं आपको इसको एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है ना? दो दोस्त है ना? हाँ सर। एक का नाम है चिंटू, एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो इधर पे क्वेश्चन नहीं एग्जांपल ही लिखते हैं। एक का नाम है चिंटू एंड एक का नाम है पिंटू, ठीक है ना? चिंटू एंड पिंटू। तो दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से कि पिंटू को थी पैसों की जरूरत। कितने की जरूरत थी सर? 10,000 रुपीज की। तो रुपीज 10,000 चिंटू ने पिंटू को दिया। अच्छा, अब दोस्तों हमेशा याद रखिए, शुरुआत जिससे होती है, कोई पैसा दे रहा होता है और कोई पैसे ले रहा होता है, फिर से कोई पैसे दे रहा होता है और कोई पैसे ले रहा होता है। दोस्तों ये जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है ना, इसको अपने लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अच्छा, अब इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सुनिएगा, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेट से 5% पर एनम है। अच्छा, अब पिंटू चिंटू को बोलता है कि भाई पैसे मेरे को जो चाहिए वो मेरे को चाहिए, लेट से टाइम पीरियड है 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सर चिंटू के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% पर एनम रहने वाला है, वो इसको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर चार्ज कर सकता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर। मैं हमेशा एक बात बता दूं आपको कि अगर आप मनी लेंडर हो, आप मनी लेंड कर रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो आप हमेशा चाहोगे कि आप उसे पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर दो। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। क्यों? वो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन अगर आप पिंटू की जगह हो, पिंटू तो पैसे बोरो कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। अगर आप पिंटू की जगह हो ना, तो आप हमेशा चाहोगे कि आप एसआई पे करो। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। अच्छा, अब मन में एक लॉजिक है, सर ये लर्न करवा रहे हो, इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों इसका लॉजिक ये है, पहले मैं समझा दूं वर्बली और उसके बाद मैं लिखकर दिखाऊंगा। दोस्तों इसका लॉजिक ये है कि सिंपल इंटरेस्ट ना हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जो 5% है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जाएं, तो वो 10,000 पर ही तीनों साल का कैलकुलेट होगा, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं सिंपल इंटरेस्ट के तरह से, तो दोस्तों क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करें आप। तो प्रिंसिपल कितनी है? 10,000। रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है सर? सर जो टाइम है वो 3 इयर्स है। तो दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका रुपीज 1500 आएगा। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट है
जो पिंटू को रिपे करने हैं चिंटू को, वो कितने हैं? पहले तो जो ओरिजिनल पैसे लिए थे 10,000 और इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, जिसको ब्याज भी बोलते हैं, तो सर टोटल में कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। अरे नहीं सॉरी, 11,500। 1500 तो हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो दोस्तों अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब दोस्तों ये लर्न करने की चीज है कि आप बताओ, अगर आप किसी को रिपे कर रहे हो तो आप ओरिजिनल जो पैसे लिए थे वो इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे, तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ओके सर, अभी दोस्तों यहां पर समझो कि देखने में तो ये सिंपली फॉर्मूला लग रहा है, PRT/100, बट रियल लाइफ में क्या लॉजिक चला पता है आपको? नहीं सर, आप बताएं। दोस्तों रियल लाइफ में जो लॉजिक चली वो ये कि अपने लोग कर क्या रहे थे, अपने लोग 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए पहले 1 साल का, कितना? पहले 1 साल का, अच्छा, इंटू 5/100, 1 साल का आया। अब दूसरे साल भी, तो इधर पे 500 आया, दूसरे साल भी हम लोग यही किए, सेकेंड ईयर में भी हम लोग 10,000 पर ही कैलकुलेट किए, ठीक है ना? हाँ सर, ये था रियल लाइफ में जो चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड कर करके ये 1500 फिगर पे आए। और अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा कि तीनों का जो टाइम है बस ऐड करके 3 लिख दो। ओह, तो ये बात है सर। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में ये चल रहा है, लेकिन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा लॉजिकल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर क्यों? मैं बोला ध्यान से देखो, आज के डेट पर मैं 3 साल बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखें आप। ये 0th ईयर है, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब लेन देन हुआ 10,000 का, ये यहां पर खत्म हुआ ईयर 1, यहां पे दोस्तों खत्म हुआ ईयर 2, और यहां पर दोस्तों हमारा खत्म होता है ईयर 3, ठीक है ना? हाँ सर। दोस्तों इस दिन चिंटू ने पिंटू को 10,000 रुपीज दिए। सर बिल्कुल सही है। अच्छा अब सर, जो ये टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड आपको नजर आ रहा है, इसका इंटरेस्ट क्या होगा? क्योंकि पूरा का पूरा 10,000 था, तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है, और 1 साल के लिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, चिंता ना करें आप। तो ये कितना हो गया सर? 10,000 इस दिन, मतलब अगर ईयर 1 के एंड पे देखा जाए तो पिंटू को चिंटू को क्या लौटाने हैं? 10,000 लौटाने हैं, और साथ ही साथ जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो लौटाना है 500। तो यार एक तरह से क्या आपने ये नहीं बोल सकते कि जो पिंटू है वो चिंटू को कितने रुपए देता है? 10,500। तो जब ईयर 2 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो अपने 10,000 पे क्यों कैलकुलेट करे? अब तो जो इंटरेस्ट है वो भी तो आउटस्टैंडिंग हो गया, जो ईयर 1 का इंटरेस्ट था, तो यानी कि जब आउटस्टैंडिंग पर ही कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को, तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 10,500 है ना। पिंटू तो अब चिंटू को 10,500 देता है, ना कि केवल 10,000, तो इंटरेस्ट भी 10,500 पर देना पड़ेगा अगले साल का। तो ये बात है। जी हाँ, ये बात है। तो यानी कि 10,500 तो था ही ईयर 2 के एंड में, प्लस 525 जो इंटरेस्ट था वो भी देना पड़ेगा। राइट सर, बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये 2,110,25 है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। आगे बात करें सर आप, दोस्तों अगर अपने बात आगे करें तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। दोस्तों थर्ड ईयर के बारे में बात करते हैं अपने लोग, ठीक है ना? थर्ड ईयर के एंड पे अगर आप लोग लॉजिकली सोचे तो पिंटू को चिंटू को कितने देने हैं? 11,025। जी हाँ बिल्कुल। तो जनाब इंटरेस्ट भी कितने पर देना पड़ेगा? 11,025 पे, 1 साल का। ओ, तो यानी कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पिंटू चिंटू को कितने पैसे देगा? 11,025 तो देगा ही, प्लस जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर लें, और वो आएगा। अब जैसे अगर अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, लेट्स सी, 110, एक मिनट, हाँ 110.25, 550 और 25 इंटू ये, यानी कि 1.25, यानी कि 551.25 आएगा, ठीक है ना? एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? 6.25, ये देखिए दोस्तों, है ना? हाँ सर, तो कितना आया? 6.25, और फिर फाइनली 1157, ठीक है ना? तो 11576.25 ये पैसे हैं जो अल्टीमेटली पिंटू चिंटू को देगा। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? अगर अपने बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, विच इज इक्वल टू व्हाट? रुपीज 11576.25 माइनस 10,000 जो शुरुआत में थी। अगर आप लोग दोस्तों इंटरेस्ट देखो जो चिंटू ने अर्न किया है,
तो आप लोग पाओगे दैट इज 1576.25। और अगर आप लोग कंपेयर करो इसको प्रीवियस इंटरेस्ट जो उसने अर्न कर किया था सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, वो था 1500। और दोस्तों मैं श्योर हूं कि ये जो 76 का डिफरेंस है ये क्यों आया ये आप लोग समझ चुके हो। हाँ सर, लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, ये देखिए ये जो 500 रुपया इस पर भी तो 5% इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और अगेन जो उसके बाद भी ये जो 1025 था उस पर भी तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ ना। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की वजह से वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है चिंटू को मिला। समझ में आया? जी हाँ सर समझ में आया। लेकिन सर हमारे ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा क्या क्वेश्चन है सर आप लोग की, क्वेश्चन ये है कि भाई सर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो जो रुपीस था वो आपने एक बार में कैलकुलेट कर दिया पीआरटी बाय 100 करके एकदम स्ट्रेट अवे, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया तो सर हर ईयर का अलग अलग किया, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है क्या सर कि जिससे हम लोग एक बार में कंपाउंड इंटरेस्ट का फिगर पे जंप मार जाए रेदर देन इतना लेंथी सम्स करने की जगह। जी हाँ है, पहले मैंने इस तरह से इसलिए दिखाया ब्रेकअप करके कि आपको अंडरलाइन लॉजिक कि कंपाउंड इंटरेस्ट रियल में काम कैसे करता है वो समझ में आए। अब दोस्तों आप लोग देख लो एक फॉर्मूला जो आप लोग चाह रहे थे, सीधा अमाउंट पर आइए, ये फॉर्मूला आपको सीधा अमाउंट पर लेकर जाएगा, और इस अमाउंट के फॉर्मूले से मतलब अमाउंट से आप प्रिंसिपल को लेस करिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखिए 1 + r/100 to the power n, ये है फॉर्मूला, n है टाइम और r है रेट, तो p कितना है 10,000। देखिए मैं सेम सम कर रहा हूं, 1 + रेट क्या थी 5/100 to the power n, मतलब 3 साल के लिए 105/100। एक्चुअली ये जो 3 है ना ये कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कंप्यूट करता है, ठीक है ना। खैर जो भी है, तो 10,000 × 105/100 को मैं 21/20 लिख सकता हूँ 5 से काटा कुटी करके, तो मैं 3 बार इसको लिख दिया। बस अब आप लोग कैलकुलेट करते रहे बैठ के, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे बैठ के दोस्तों तो आप लोग का क्या आएगा, देखिए 0 गया 0 गया 0 0 0 0, ठीक है ना। हाँ सर 2 5 10, बस अब आप लोग मल्टीप्लाई करिए 21 × 21 441, फिर 441 × 105, और फिर डिवाइड कीजिए बाई 4 से। मैं बता दूं दोस्तों आपको जो आपका अमाउंट आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू ₹11,576.25 ओनली। बस फिर अब आपको करना क्या है, ये आपकी अमाउंट की फिगर आ गई, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, अमाउंट की फिगर आ गई, फिर इसकी जो प्रिंसिपल है आपकी वो कितनी है 10,000 है, माइनस कर दीजिए तो आपका ₹1,576.25 स्ट्रेट अवे जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आप चाह रहे थे वो आपकी आ चुकी है। अच्छा तो ये बात है क्या? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ये बात है। आई होप दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों अभी सुनिएगा दोस्तों, दोस्तों अगर हम लोग बात को आगे लेकर चले अब, तो व्हाट डू वी लैंड अप टू नाउ सर। अब अपने लोग थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है ना। हाँ सर तो आप लोग फॉर्मूला देख ही लिए अमाउंट का, है ना। हाँ सर अब दोस्तों थोड़ा सा और डेप्थ में उतरते हैं हम लोग। सर चलिए डेप्थ में, क्या बात क्या एग्जैक्टली सर मेरे दोस्तों। अब बात ये है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट कैन बी कंपाउंडेड एनुअली। इसका लॉजिक क्या मैं समझाऊंगा सब कुछ, है ना। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कैन बी कंपाउंडेड क्वार्टरली, या फिर कैन बी कंपाउंडेड मंथली। सर अब ये अलग अलग कंपाउंडेड जो आप बोल रहे हो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है सर जरा बताओगे प्लीज। मैं बोला ओके दोस्तों, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल पे वो साल में केवल एक बार होगा, वो साल में केवल एक बार होगा। सेमी एनुअली का मतलब, मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो साल में 2 बार होगा। अच्छा, क्वार्टरली में 4 बार और मंथली में 12 बार। सर लेकिन ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। मैं बोला ध्यान से सुनिए, बोलिए सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। हाँ सर, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है ₹1000 का, ठीक है ना। हाँ सर, जो रेट है लेट से रेट जो है हमारा वो है 20%। अच्छा अभी 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 अपने लोग को टाइम जो है वो मैंने लिया 1 ईयर, एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं, है ना। हाँ सर टाइम है 1 ईयर। अच्छा अब ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली, सुनिएगा दोस्तों बात को फील करिएगा, है ना। हाँ सर कंपाउंडेड एनुअली, फिर है सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं, और फिर क्वार्टरली।
अब आइए दोस्तों समझते हैं इसको। अच्छा मंथली भी लिख लेते हैं, नंबर फोर मंथली। तो दोस्तों अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है आइए समझते हैं। और सब कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि लिखा हुआ ये कंपाउंडेड, तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो समझिएगा, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल क्या है 1000 × 1 प्लस रेट कितना है 20/100 to the power n, क्योंकि साल में केवल एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एंड देन व्हाटएवर इज द फिगर यू जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है ना, व्हाटएवर इज द फिगर यू जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है ना। मैं उधर पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। शायद 1200 आएगा, हाँ सर 1200 आएगा। अब सुनिएगा इसका मतलब समझे आप लोग। अगर मैं इसको टाइमलाइन पर बना के दिखाऊं ना आपको कंपाउंडेड एनुअली को, इसका मतलब क्या था, ये जीरो ईयर है, ये ईयर वन का एंडिंग है, तो पूरा का पूरा जो 1000 रुपीज है उस पर 20% कैलकुलेट होके इधर पे इवेंचुअली 1000 के साथ, इधर पे इवेंचुअली 1000 के साथ ऐड होकर आएगा जो भी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एज वी कैन कॉल इट। बट यहां पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखाई नहीं क्योंकि एक साल था, 2 साल होता तो अब नेक्स्ट ईयर हम लोग 1200 पे कैलकुलेट किए होते, ठीक है ना। खैर वो चीज है, ये है कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन अब दोस्तों सेमी एनुअली देखिए, सेमी एनुअली में दोस्तों क्या होगा, ऐसे याद करने को तो सिंपल तरीका है लेकिन लॉजिक भी मैं समझाता हूं दोस्तों। अगर सेमी एनुअली है ना तो देखिए प्रिंसिपल तो 1000 ही रहेगा, सुनिएगा, रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, तो 20% / 2 यानी कि 10%। और जो टाइम है ना एन 1 ईयर है ना वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 2 ईयर्स हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब 2 ईयर्स का दही नहीं है, इसका मतलब 2 टाइम पीरियड्स है, मतलब इंटरेस्ट 21 साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट 21 साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। सर इसका लॉजिक समझते हो क्या है, अगर मैं इसका लॉजिक आपको बताऊं, देखो अगर आप सीधा फॉर्मूला डालोगे, पहले तो मैं सीधा फॉर्मूला डाल के आंसर पर ले आऊं आपको, तो अच्छा तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल 1000 है, 1 + r/100 यानी कि 10/100 होल टू द पावर 2, तो कितना होगा हमारा 1000 यानी कि 110/100 टू द पावर 2। यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, मैं बताता हूं क्या, ठीक है ना, हाँ सर। तो यानी कि ये आपका कितना आया दोस्तों, 121 आया, करेक्ट और नॉट दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल 121 आया। तो दोस्तों एक्चुअली 121 भी नहीं, 121 भी नहीं, आप लोग क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास एक जीरो और बचा है खाली, है ना, क्योंकि ऊपर में 5 जीरो है तो एक जीरो आपके पास खाली बचा हुआ है, तो आपके पास एक्चुअल में कितना आया, ₹1210 इजंट इट दोस्तों, है ना, 11, ठीक है। तो हाँ सर, तो क्योंकि 11 × 11 × 10, यस और नो दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल, एक बार फिर से करके बताता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। 1000 × 110/100 × 110/100 इजंट इट, तो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, इधर पे 1 जीरो है वो खत्म, तो बस, तो आपके पास बचा ना 110 × 11 ऊपर में, सो दैट विल गिव यू व्हाट, 11 × 11 121 जीरो, ठीक है ना। तो आप लोग देखो अमाउंट आया 1210, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो कितना आएगा वो 1210 - 1000 यानी कि 210। दोस्तों एक चीज नोटिस की आपने, इधर पे कंपाउंड इंटरेस्ट वॉज प्रीवियस सम में 200, इधर पे 210 है, इसका लॉजिक समझते हो आप लोग, नहीं सर आप बताइए दोस्तों। इसका लॉजिक है कि 21 साल में इंटरेस्ट को आपने 2 बार ब्रेक किया, मतलब सर ये ईयर वन है ना, ये 0 से खत्म 1 पे, ये 6 मंथ्स हो गया। तो दोस्तों हुआ क्या मालूम है, इस 6 महीने के लिए, इस 6 महीने के लिए आपने प्रिंसिपल क्या था आपका, 1000 था, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल था। अभी दोस्तों ध्यान से सुनना, रेट क्या था, रेट 20% था, सुनिए सुनिए, टाइम क्या था आपका, 6 मंथ्स था, 6 मंथ्स को ईयर में कैसे लिखते हैं, 6/12 यानी कि हाफ ईयर था। अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो यहां पर, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूं समझ में आएगा आप लोग को, 1000 × रेट कितना है 20/100 × 1/2 PRT/100 सिंपली, ठीक है ना, हाँ सर। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट किए तो आपका क्या आया, 0 खत्म 0 खत्म, तो ये आपका कितना आया, 100 रुपीज आया। तो सिंपल इंटरेस्ट 6 महीने के लिए 100 रुपीज आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो अगले 6 महीना के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, सिर्फ 1000 रुपीज नहीं होगा, वो तो 1000 रुपीज प्रिंसिपल इस पहले 6 महीनों के लिए था, क्योंकि अब 6 महीना का इंटरेस्ट भी एड हो चुका है,
तो 100 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 1100 हो गया। तो जब आप इस दिन कैलकुलेट करोगे तो इस दिन आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 1100। देखिए ये जो मैं टाइमलाइन ब्रेकअप करके दिखा रहा हूँ, ये आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ कि रियल लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रिंसिपल है 1100 दोस्तों, है ना। हाँ सर, रेट जो है वो आपका 20% है और टाइम आपका हाफ ईयर है, बस आप कैलकुलेट कर लो। तो 1100 इंटू 20/100 इंटू हाफ, बस अब आप कैलकुलेट कर लो तो आपका कितना आएगा सर, आपका 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा, बस बात खत्म। ये देखिए ना, 210, 0 खत्म, 0 खत्म, 0 खत्म, 0 खत्म, तो 110 आया। तो सम ऑफ टू सीआईस, पहला सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, ये था 110, ये 110 अपने लोग का आएगा, है ना, 11। तो दोस्तों आपका कितना हुआ, 100 प्लस 110 इक्वल टू 210, ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझ आया? ओ सर, अब लॉजिक समझ में आई सर, अब हमें लॉजिक समझ में आई। मैं बोला वेरी गुड सर, आगे बात करें। ओके सर, आगे बात करते हैं। अब क्वार्टरली का भी ऐसा ही होगा दोस्तों। क्वार्टरली के केस में अपने को क्या करना है दोस्तों, क्वार्टरली के केस में ना, फॉर क्वार्टरली, क्वार्टरली आप लोग करके चेक करिए, क्वार्टरली में आपको क्या करना है, रेट को डिवाइड बाई 4 करना है और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई विथ 4 करना है, क्योंकि अब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। अच्छा, और अगर मंथली हो तो दोस्तों, अगर मंथली हो तो फिर आपको रेट को जो है वो डिवाइड बाय 12 करना है और टाइम को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ये अल्टीमेट लॉजिक है दोस्तों। अच्छा सर, ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। आगे बोले सर आप, आगे बोले सर आप, पहले आइए, पहले मैं आइए, मैं आपको ना कुछ अच्छे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और उसके बाद अपने लोग और आगे कंसेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर बोले प्लीज। मैं बोला ओके, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बोलिए सर। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 4096 इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कुछ नहीं बोला है तो एनुअली मानते, इस कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सुनिएगा, हाँ सर, इस कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 18 मंथ्स, 18 महीनों के लिए सेमी एनुअली कंपाउंड हुआ है, एट वॉट रेट, एट 12.5% पर एनम, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। सर अब आप बताएं कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है। मैं बोला दोस्तों ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 18 मंथ्स है, इसका मतलब जो टाइम दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, 1 ईयर 6 मंथ्स, 18 बाई 12 कर लीजिए, तो 18 बाई 12 दिया हुआ ऑलरेडी। अगर आप लोग काटाकुटी करें तो ये आपका 3 बाई 2 आएगा, ये 3 बाई 2 ईयर्स है। लेकिन मैंने आपको क्या समझा रखा है, मैंने आप लोग को ये समझा रखा है कि क्योंकि क्योंकि सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो ये 3 आया। तो यानी कि इवेंचुअली एन जो हमारा आया वो 3 आया। इस 3 का एक सिंपल लॉजिक बताऊं, 18 महीनों में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अरे सेमी एनुअली है तो 18 महीने में कितने, 6 महीने हैं, 3 6 महीने हैं, 18 महीने में कितने 6 महीने हैं, 3, तो एन इक्वल टू 3। ओ तो एन इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट होगा, बस बात खत्म। ओ सर समझ में आया। अच्छा सर आगे बात करें आप, और दोस्तों अब रेट की बात करें हम लोग, तो 12.5% है, मतलब 25/2 है। अगर दोस्तों आप लोग लॉजिक यूज करें, अगर दोस्तों आप लोग लॉजिक यूज करें, 12.5% है तो यानी कि 25/2 है, रेट को आधा हो जाएगा, क्योंकि साल में अब 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो रेट आधा हो जाना मतलब नीचे में इंटू 2 करना, यानी कि 25/4% करना, इज इंट इट दोस्तों। जी हाँ सर बिल्कुल। बस अब करना क्या है सर, अब इवेंचुअली अपने लोग को अमाउंट ही तो निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू 4096 इंटू 1 प्लस रेट क्या है, 25/4, तो 25/4 100, क्योंकि रेट परसेंट परसेंट में होता है ना, तो भाई 100 है ना, होल टू द पावर एन यानी कि 3, बस। अच्छा अब सर ये आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए कि 25/4 100 होता है, तो 400 कब होगा, 16 से। ओ सर ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस फिर अब कैलकुलेट करिए, 4096 इंटू 1 प्लस 1/16 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4096 इंटू कितना हो गया, 17/16, 3 बार आएगा, है ना, क्योंकि पावर में 3 है, बस बात खत्म।
दोस्तों ये कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी कटाकुटी करके आएगा दैट विल बी योर आंसर। आप लोग कर लीजिएगा चेक, ये 4913 के आसपास आएगा आपका अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पूछे तो साहब 4913 माइनस जो इनिशियल प्रिंसिपल था विच वॉज 4096 बस, एंड देयर यू हैव इट दोस्तों, दैट विल गिव यू 917। एक मिनट, नॉट 917, एक्चुअली इट विल गिव यू 817। बस बात खत्म दोस्तों, बस बात खत्म दोस्तों, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है तो जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है सर, अब दोस्तों एक कंसेप्ट पर चलेंगे जिसको बोलते हैं अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, अप्रिसिएशन तो आप देखें वैल्यू का बढ़ना, प्रिंसिपल से ज्यादा होता है अमाउंट तो आप 1+R/100 का टोन यूज करते हो। बट एक कंसेप्ट होता है दोस्तों जिसको अपने बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या है जरा समझाओगे प्लीज? मैं बोला ओके दोस्तों, आज आप लोग अपने गोडाउन में अपने फैक्ट्री में कोई कोई मशीन लेकर आए, ठीक है ना, क्या वो मशीन की वैल्यू सेम रहेगी, वो मशीन इक्वली यूजफुल रहेगा? नहीं सर, वो मशीन का जो यूज है और जो मशीन की जो वैल्यू है वो डिटेरियोरेट होगी धीरे धीरे, उस घटने को अपने लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ सर, डेप्रिसिएशन में घटता है सिंपली स्पीकिंग ये। तो मान लीजिए कि एक असेट आपने परचेज किया, फर्स्ट जैन 2018 को फॉर ₹5 लाख, ठीक है, हाँ सर ठीक है, उसको आपने यूज किया 2 इयर्स, कितने देर टाइम यूज किया? 2 इयर्स। अच्छा, उसका रेट किस रेट से उसका डेप्रिसिएशन हुआ? वो था लेट से 10%। ठीक है ना, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन में हमेशा बाई डिफॉल्ट ही अपने लोग जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रेट है 10%, फाइंड वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, मतलब उस असेट की वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स क्या है जरा हमें ये बताइए। मैं बोला ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया ये तो आपने दोस्तों। द तरीका इज कि वैल्यू आप इसको V2 लिख दीजिए, वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स इक्वल टू वैल्यू नाउ, आज जो वैल्यू है वो -1, क्योंकि अब डिटेरियोरेट हो रहा है, कम हो रहा है डेप्रिसिएशन का समय 2 साल तक। ओ तो सर सेम ही बात है, जी हाँ बिल्कुल, बस फिर क्या 5 लाख -90/100 -90/100, समझ आई गया होगा आपको बात, 2020 2020 2020 खत्म, बस और क्या था सर? फिर क्या है सर, 50 इंटू 90 50 इंटू 90, तो यार दोस्तों 5 इंटू 9 45 है, तो 4500, और फिर 4500 इंटू 90 करके देख लीजिए आप लोग आपका कितना आता है, दैट विल बी योर आंसर, मतलब दैट विल बी द वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर 2 इयर्स, है कि नहीं है दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, जैसे देखो 3 जीरो यहाँ लिख लिया हम लोग ने, हाँ 5945 4 36 40, तो 4050 एक बार चेक कर लेगा आप लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना, हाँ सर, तो 4050 होगा वैल्यू ऑफ द असेट आफ्टर 2 इयर्स। ओह तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन। आइए एक और आपको एस्पेक्ट दिखाऊं इसका मैं, मान लीजिए कि असेट परचेज्ड ऑन 1 जैन 2018, ठीक है ना, यूज्ड फॉर 3 ईयर, ठीक है सर, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स इज रुपीज, लेट से अपने लोग मान लेते हैं 3 साल के बाद जो वैल्यू है उस असेट की वो है ₹7,29,000, ठीक है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, लेट से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा 10% है, फाइंड ओरिजिनल वैल्यू, मतलब असेट की ओरिजिनल कॉस्ट या असेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या जब अपने उसे परचेज किए थे। आप लोग फर्क समझे दोनों क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आज का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे पूछा 2 साल बाद क्या होगा, इसमें क्या है आज का वैल्यू पूछा और 3 साल बाद का वैल्यू दिया हुआ है। दोस्तों याद रखना, होगा तो डेप्रिसिएशन ही, होगा तो डेप्रिसिएशन ही, अपने लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू वैल्यू नाउ 1 -10/100 फॉर 3 ईयर्स,
यस और नो दोस्तों? सर बिल्कुल ठीक, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितना है सर? 729,000 है। बस ये निकालना है आपको, 90/100 टू द पावर 3। ओके तो बस फिर ये इधर भेजिए, तो 100/90 × 100/90, ये अपने लोग का V0 आ गया। यस और नो दोस्तों? बस फिर क्या था, 3 0 खत्म। बस फिर कैलकुलेशन करते रहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 981 जा 729, ठीक है ना, फिर 99 जा 81, ये 9 गया ये गया, तो 100 × 100 × 100, यानी कि जो वैल्यू ऑफ द असेट थी वो क्या थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख रुपीज, सम खत्म। ओ मतलब ओरिजिनल वैल्यू जब आपने परचेज किया था 3 साल पहले, तब उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज। तो दोस्तों ये सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा रहना चाहिए, यस और नो दोस्तों? ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स।